गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक, मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सेवन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ लिया था कि चोल वंश में किस तरह से स्क्रिप्शंस बनती थी, किस तरह से वहाँ पर एग्रीकल्चर और इरिगेशन को अरेंज किया जाता था। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो लैंड है उनको दिया जाता था लोगों को, किस तरह से उनको अलग अलग क्लासिफाई किया जाता था। यहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लैंड के कौन से प्रकार होते थे, किस किस तरह की भूमियाँ होती थी। ठीक है, चोल इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरी ऑफ लैंड, कि चोल की जो अभिलेख हैं उनमें हमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज का उल्लेख मिलता है। जैसे कि वेलाल वेगाई कौन सी होती थी बच्चों, वो होती थी जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट होते थे, उनके उनकी जो प्रॉपर्टी होती थी उसको क्या बोला जाता था बच्चों, वेलाल वेगाई बोला जाता था। ठीक है, ब्रह्मदेवा, जैसे कि नाम से ही पता है ब्रह्म किसे बोला जाता है, ब्राह्मण्स को बोला जाता है, तो लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स उसको ब्रह्मदेवा बोला जाता था। ठीक है, साला भोगा, साला का मतलब आप लोगों को पता है, जैसे हम पाठशाला बोलते हैं उसी तरह से साला का मतलब होता है विद्यालय। ठीक है, स्कूल होता है बच्चों। साला भोगा का मतलब साला के भोग के लिए जो लैंड प्रोवाइड की जाए, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, किसी जो विद्यालय है उसके रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती है उसको साला भोगा बोला जाता था बच्चों। देवदाना का मतलब आप समझ रहे होंगे बच्चों, देवता को जो दान की जाए। ठीक है, और तिरुन टुकन्नी का मतलब होता है, तिरुन का मतलब होता है बच्चों तिरुपति, तिरुपति का मतलब देवता। ठीक है, तुकन्नी का मतलब हुआ को दी हुई, तिरुन को दी हुई भूमि को क्या बोला जाता है, देव दाना बोला जाता है, या फिर भगवान को जो डोनेट की जाती है भूमि उसको क्या बोला जाता है बच्चों, तिरुन तुकन्नी बोला जाता है। लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, ऐसी लैंड जो गिफ्ट की गई हो टेम्पल को। ठीक है, पिल्ली चिदम्ब का मतलब होता है बच्चों जो जैन इंस्टीट्यूट्स जो होते थे उनको जो भूमि डोनेट की जाती थी उनको पल्ली चिदम्ब बोला जाता था बच्चों। वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफ्टन रिसीव लैंड ग्रांट टू ब्रह्मदेवा, आप हम लोगों ने देखा कि जो ब्राह्मण्स थे उनको टाइम टू टाइम क्या मिलती रहती थी, लैंड मिलती रहती थी, किस रूप में जो ग्रांट होती थी ब्रह्मदेवा के रूप में। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट एमर्जेंस इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, इसका ये रिजल्ट हुआ कि बहुत सारी छोटी छोटी ब्राह्मण्स की सेटलमेंट हो गई कावेरी वैली के पास और जो सदर्न पार्ट था, सदर्न इंडिया था उसके अंदर। ठीक है, ईच ब्रह्मदेवा वाज लुक्ड आफ्टर बाई एन असेंबली और सभा टू प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड, जो ये पुराने प्रमुख जो ब्राह्मण लैंडलॉर्ड थे उनके द्वारा एक सभा बनाई जाती थी जो ब्राह्मण्स की सारी जो जमीन थी लैंड थी उसको क्या करती थी, उसका लुक आफ्टर करती थी, उसकी देखभाल करती थी, उसकी देखरेख करती थी। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी इफेक्टिवली, ये जो असेंबली होती थी ये बहुत इफेक्टिवली काम करती थी, प्रभावशाली ढंग से काम करती थी। देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इंस्क्रिप्शंस, वो उनकी जो डिसीजन होते थे उनको कहाँ रिकॉर्ड करके रखा जाता था, इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड करके रखा जाता था। इंस्क्रिप्शन का मतलब समझते हो ना बच्चों, जो शिला होती है उनके ऊपर लिखा जाता था, स्टोन्स के ऊपर लिखा जाता था, जो स्टोन मंदिरों के ऊपर लगे होते थे मोस्टली, ऑफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल, जो मोस्टली कहाँ पर होते थे, जो वाल होती है स्टोन वाल होती है टेम्पल की वहाँ पर। ठीक है, एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर नोन एज नागर्स, जो एसोसिएशन थी ट्रेडर्स की उसको किस नाम से जाना जाता था बच्चों, नगरम के नाम से जाना जाता था। आज भी जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मर्चेंट होते हैं, ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, नगरों के अंदर ही मिलते हैं, इसीलिए ये नगरम नगर का ही एक रूप होता है बच्चों, जहाँ पर मर्चेंट या ट्रेडर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन, और वो कई बार क्या करते थे, परफॉर्म करते थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को टाउन के अंदर। ठीक है, टाउन ये क्या है,
नगरम ही है जो आज के टाइम का नगर है। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मैरूर, उत्तर मैरूर जगह का नाम है बच्चों। इन कहाँ पर है वो? चिंगलपुट जगह का नाम है। चिंगलपुट राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम है तमिलनाडु के अंदर। उसमें एक पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है बच्चों? उत्तर मैरूर। देखो स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चिंगलपुट। और जगह का नाम क्या है बच्चों? उत्तर मैरूर। ठीक है। प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। उसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से जो सभा थी उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था, किस तरीके से उसको इकट्ठा किया जाता था, जो सभा थी उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता था बच्चों। द सभा हैड सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क। जो इरीगेशन वर्क होता था उसको टेक केयर करने के लिए सभा में अलग तरह की कमेटी बनाई जाती थी। गार्डनर टेम्पल्स एक्सेट्रा। और जो गार्डनर होते थे टेम्पल को, और जो टेम्पल को देखते थे या टेम्पल से जुड़े हुए जितने लोग होते थे उनके लिए, सभी के लिए अलग अलग कमेटियाँ बनाई जाती थी। इरीगेशन वर्क के लिए अलग, गार्डन के लिए अलग, और जो टेम्पल्स होते थे उनके लिए अलग। ठीक है। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेम्बर ऑफ दीज कमेटी वर रिटन ऑन अ स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ। जो भी लोग एलिजिबल होते थे, योग्य होते थे मेंबरशिप के लिए, उनके नाम पाम ट्री के टिकट के ऊपर लिख दिए जाते थे। पाम का मतलब समझते ना बच्चों? ताड़ को बोला जाता है। जो ताड़ का वृक्ष का पत्ता होता है उसके ऊपर टिकट के रूप में उसको यूज करते थे। उसके ऊपर जो एलिजिबल मेंबर्स होते थे उनका नाम राइट डाउन किया जाता था। एंड कैप्ट इन एन अर्थवेयर पॉट, और एक मिट्टी के घड़े में उनको रखा जाता था। फ्रॉम विच अ यंग बॉय वाज आस्क्ड टू पिक द टिकट, और एक छोटे बच्चे को बुला के टिकट को निकलवाया जाता था वन बाय वन फॉर ईच कमेटी, एक एक करके सभी कमेटियों के लिए। ठीक है। तो क्या किया जाता था? जितने एलिजिबल मेंबर्स होते थे उनका नेम राइट डाउन किया जाता था पाम लीफ के ऊपर, और उसको अर्थवर्म पॉट के अंदर रखा जाता था। उसमें से कौन निकालता था? एक यंग बॉय निकालता था। ठीक है। यहाँ पर आपको इंस्क्रिप्शन का एक हिस्सा दिखाई देगा, एक टेक्स्ट दिखाई देगा। देखो इंस्क्रिप्शन एंड टेक्सेज, अभिलेख और जो लिखित सामग्रियाँ होती हैं। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? जो लिखित सामग्री होती है जो हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है। द वर्किंग ऑफ अ सभा अकॉर्डिंग टू उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन। एक वर्किंग क्राइटेरिया दिखाया गया है कि जो किस तरह से एलिजिबिलिटी को डिसाइड किया जाता था। उत्तर मैरूर जगह पे जो इंस्क्रिप्शन मिली है उसका एक पार्ट है। ठीक है बच्चों। ऑल दो हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी वॉर्निंग ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। जितने भी जो भी पर्सन विलिंग होगा मेंबरशिप के लिए, विश कर रहा होगा मेंबरशिप लेने के लिए, उनके पास ऐसी लैंड होनी आवश्यक है जिससे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा हो। दे हैड हैव देयर बोर्न होम, उनका खुद का घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 to 70 ईयर्स ऑफ एज। उनकी एज का क्राइटेरिया कितना होगा? 35 to 70 होगा। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, और उनको वेदों की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर एंड ऑनेस्ट। उनकी क्या होनी चाहिए? उनके प्रशासनिक मामलों में अच्छी समझ होनी चाहिए और वो ईमानदार होने चाहिए। इफ एनी वन हैज़ अ मेम्बर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years, अगर पिछले 3 सालों में, मतलब जिस साल वो चुनाव लड़ रहे हैं उससे पीछे के 3 सालों में वो किसी भी समिति के सदस्य रहे हों, ठीक है, तो क्या होता था? ही कांट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी, तो वो किसी दूसरी कंपनी के कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते थे। एनी वन हु हैड सबमिटेड हिज अकाउंट एज वेल एज दोज ऑफ हिज रिलेटिव कैन नॉट कॉन्टेंट द इलेक्शन। अगर किसी ने अपने संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, या फिर अपने संबंधियों संबंधित कोई भी खाता जमा नहीं करवाया है, तो वो क्या हो जाता था? वो एलिजिबल नहीं रहता था, वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। वाइल इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट किंग्स एंड पावरफुल पर्सन मैन, की जो इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर हमें क्या दिखाया जाता है? किंग्स किस तरह से रहते थे और पावरफुल पर्सन जो है वो किस तरह से रहते थे। हेयर इज एन
एक्सक्रैप्ट बिटवीन द पेरियापुरम ए 12th सेंचुरी तमिल वर्क। यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, एक अंश दिखाया गया है जो तमिल वर्क में है, किस टाइम का है, 12वीं शताब्दी का है, ठीक है। विच इन्फॉर्म अस अबाउट द लिविंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड मैन एंड वुमेन। इसमें क्या दिखाया गया है, जो ऑर्डिनरी जो सामान्य लोग और आदमी और औरत रहते थे उनकी लाइफ किस तरह से थी, जो हम ऊपर देख रहे थे वो सभाओं के बारे में देख रहे थे। जो इंस्क्रिप्शन मिलती है कहीं पर भी हमें ऑर्डिनरी पीपल्स की नहीं मिलती, वो हमें किस चीज़ की मिलती है बच्चों, बड़े बड़े जो राजा महाराजा या फिर कोई बहुत ही इन्फ्लुएंस पर्सन की मिलती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑन द ऑर्सिक ऑफ अदनूर, अदनूर जगह का नाम है बच्चों, ठीक है। वाज अ स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलियाज, वहाँ पर एक जो अदनूर की सरहदों के पास जो पुलिया एक जाति का नाम होता है, उसकी छोटी छोटी क्या है, हैमलेट्स हैं। हैमलेट्स का मतलब क्या होता है, झोपड़ियाँ हैं, ठीक है। इसके अंदर उनके बारे में बताया गया है बच्चों, जो आउटर कास्ट थे, मतलब जो लोअर कास्ट थे, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे बच्चों किस तरह से दिखाया गया है, अ नेम यूज फॉर द सोशल ग्रुप कंसिडर्ड आउटकास्ट बाई ब्राह्मण्स एंड वेलाल्स। ये पुलियार कौन होते थे, वो ऐसे लोग होते थे जिनको आउटर माना जाता था, आउटकास्ट माना जाता था, जाति से बाहर के लोग माना जाता था, किसके द्वारा, वेलाल और जो ब्राह्मण्स होते थे उनके द्वारा, ठीक है। स्टडीड विद स्मॉल हट्स अंडर ओल्ड डैचेज एंड इनहेबिट इन एग्रियन लेबर एंगेज इन मैनल ऑक्यूपेशन, कि वहाँ पर छोटे छोटे पुलवा होते थे, पुरवा का मतलब होता है छोटे छोटे गांव होते थे लोगों का छोटा सा पुरवा होता था, मतलब थोड़ी सी हट्स होती हैं उसको पुरवा बोला जाता है, जिसमें नीचे किस्म के लोग जो माने जाते हैं, जो खेतीहर मजदूर करते हैं, वो उस पेशे को अपनाने वाले लोग रहते थे, ठीक है। उसके अंदर उनके उसका सीन बताया गया है कि उस टाइम वहाँ पर किस तरह से देखा गया था, ठीक है। इन द थ्रेशोल्ड ऑफ हट्स कवर्ड विद स्ट्रिप ऑफ लेदर, जो थ्रेस होल्ड हैं, जो पट्टियाँ हैं, वो किससे बनी होती थी, चमड़े से बनी होती थी, ठीक है। लिटल चिकन मूव अबाउट इन ग्राउंड, छोटे छोटे जो चूजे हैं वो इधर उधर घूम रहे थे। डार्क चिल्ड्रन हु वर बकलेट इन ब्लैक आयरन वाज प्रेसिंग अबाउट कैरिंग लिटल पपीज, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, जो गहरे रंग का काला बच्चा था, क्यों, क्योंकि उनके वो बाहर रहते थे और इतनी टेक केयर नहीं होती थी, ठीक है। जो काले लोहे के कंगन पहने हुआ था, ठीक है, उनको पहनाते थे ना पहले बच्चों को, जो देखा होगा आप लोगों ने काले रंग के लोहे के कंगन पहनाते थे बच्चों को ताकि नज़र ना लगे, ठीक है। उसके आसपास क्या था, छोटे छोटे पिल्ले इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है, और इसी तरह का नज़ारा था वहाँ पर, ठीक है। इन द शेड ऑफ मरूद, मरूद क्या होता है बच्चों, अर्जुन के पेड़ को बोला जाता है मरूद ट्री, ठीक है। अ फीमेल लेबरर पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन अ सीट ऑफ लेदर, एक औरत ने, एक जो लेबरर औरत थी उसने क्या कर रखा था, अपने बच्चे को सुला रखा था एक लेदर की सीट के अंदर। लेदर की सीट का मतलब एक ऐसी पोटली सी होती है जिसको हम किसी भी पेड़ से बांध देते हैं, उसके अंदर हैंग करता रहता है बच्चा, झूला झूलता रहता है, ठीक है। देयर वर मैंगो ट्रीज फ्रॉम दोज ब्रांचेज ड्रम वर हैंगिंग, उसी उन्हें जो वहाँ पर मैंगो का ट्री था उसकी ब्रांच के साथ वो हैंग कर रहा था, झूल रहा था। एंड अंडर द कोकोनट पाम, और जो कोकोनट के पाम ट्री थे, कोकोनट का ताड़ था, इन लिटल होलो ऑन द ग्राउंड, वहाँ पर क्या था, छोटे से छोटे छोटे गड्ढे थे जमीन के अंदर, ठीक है। टीनी हीडेड बीचेज, छोटे छोटे सिरों वाली क्या थी, वहाँ पर कुतियाँ थी, ठीक है, कुतियाँ समझ रहे हो ना, कुत्ता जो होता है उसका फेमिनिज्म कुतियाँ होता है। ले आफ्टर वेल्पिंग द रेड क्रेस्टेड कॉक्स क्राउड बिफोर डाउन कॉलिंग एंड ब्रेवनी पुलियार्स, उस वो क्या था बच्चों, वहाँ पर छोटी छोटी कुत्ते के पिल्ले थे, ठीक है,
वहीं पर गड्ढों के अंदर एक छोटी सिर वाली कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, अपने पिल्लों को दूध पिला रही थी और वहां उनके साथ लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गे पौ फटते ही क्या कर रहे थे, पुलियार जो थे उनके दिल का आरंभ कर रहे थे, वो बांग दे रहे थे। ठीक है, अंडर द सेड ऑफ कांजी ट्री, कांजी के ट्री के नीचे स्प्रेड ऑफ वॉइस ऑफ वेरी हेयर पुलियार वुमेन सिंगिंग एज दे वर हॉकिंग पैडी। वो इस तरह, वो जो पुलियाल औरत थी जो लहराते हुए बालों के साथ वहाँ खड़ी थी और धान कूट रही थी, वो क्या कर रही थी बच्चों, वहाँ पर गाना गा रही थी। ठीक है, तो ये एक ऑर्डिनरी सीन है जो एक वहाँ के छोटे से गांव का है, गांव का भी नहीं, गांव के बाहर का है। गांव के बाहर का क्यों बच्चों, क्योंकि वहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल रहते थे। ऑर्डिनरी पीपल कौन, जिनको निकाल दिया गया था गांव से। निकाल दिया का मतलब ऐसे नहीं कि निकाल दिया था, लेकिन उनको आउटर कास्ट माना जाता था, उनको गांव के अंदर आने नहीं दिया जाता था। तो ये कौन से लोग थे बच्चों, ये उस टाइम के अनटचेबल लोग थे। ठीक है, चाइना अंडर द तांग डायनेस्टी, चाइना में तांग डायनेस्टी का रूल किस तरह से हुआ, किस तरह से तांग डायनेस्टी अपना रूल कर रही थी, ये क्योंकि बच्चों उस टाइम की बात हो रही है। किस टाइम की, जब यहाँ पर, जब चाइना में सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी शुरू हुई। ब्यूरोक्रेसी का मतलब अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। इन चाइना एन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश अंडर द तांग डायनेस्टी विच रिमेंबर इन पावर फॉर द अबाउट 300 ईयर्स। कि चाइना के अंदर तांग डायनेस्टी जब एस्टेब्लिश हुई तो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे जिन्होंने कितने दिन तक शासन किया, 300 सालों तक शासन किया। उनके टाइम ड्यूरेशन क्या थी बच्चों, फ्रॉम द 7th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी से लेकर किस शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी तक। इट्स कैपिटल, इसकी कैपिटल का नाम क्या था बच्चों, सियान था। सियान वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। ये जो सियान जगह का नाम था वो लार्जेस्ट सिटी थी वर्ल्ड के अंदर। विजिटेड बाय टर्क्स, जो किसके द्वारा विजिट की गई, तुर्क्स के द्वारा। तुर्क क्या होते हैं बच्चों, तुर्की के रहने वालों को तुर्क्स बोला जाता है। ईरानीज, ईरान के रहने वालों को ईरानीज, इंडिया के रहने वालों को इंडियंस, जापान के रहने वालों को जापानी, और जो कोरिया के रहने वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कोरियंस बोला जाता है। द तांग एम्पायर वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन। और उस टाइम पे तांग डायनेस्टी जो थी उसमें कैसे रिक्रूट किए जाती थी ब्यूरोक्रेसी, एग्जाम के द्वारा। जैसे हम आज के दिन रिक्रूट करते हैं ब्यूरोक्रेसी को एग्जाम के द्वारा, वो वहाँ पर आज से हजार साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पर हजार साल पहले इसी तरह से एग्जाम कंडक्ट किया जाता था, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी को रिक्रूट किया जाता था। विच वाज ओपन टू ऑल हु विशेज टू अपियर इन इट फॉर इट। वो सबके लिए खुली थी, चाहे कोई भी उसमें पार्ट ले सकता था। दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल रिमेन इन प्लेस विद सम चेंजेज टिल 1911। ये जो सिस्टम था रिक्रूट करने का ब्यूरोक्रेसी का, ये कुछ कुछ चेंजेज के साथ साथ 1911 तक चलता रहा। दैट वे द सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रिवलेंट इन द सब कॉन्टिनेंट। आप लोगों को बताना है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाएं थी उससे ये किन मामलों में ये व्यवस्था डिफरेंट थी। मतलब आप यहाँ की देख रहे हो कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को अपनाया जा रहा था चोल वंश में। ये कंटेम्प्रेरी वर्ड होता है बच्चों, जिस टाइम हमारे यहाँ पर चोल वंश था उस टाइम चाइना के अंदर क्या था बेटा, तांग डायनेस्टी थी। तो होप कर रही हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।